बाजार के लिए आज मई जुलाई अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। एनर्जी शेयरों में गिरावट से अमेरिकी बाजार पर दिखा दबाव, शेयरों की भी ब्रिज में शुरुआत, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी पर दिख रही है गिरावट। जी एंटरटेनमेंट, एनआईटी लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम और एसएमएल सुजू के नतीजे आज होंगे जारी। घाटे से मुनाफे में लौट सकती है एनआईटी लिमिटेड, बिक्री में भी 5% बढ़ोतरी का अनुमान। माइक्रो फाइनेंस कारोबार वाली कंपनी उज्जीवन फाइनेंस की लिस्टिंग आज, इशू प्राइस 210 रुपए तय, आईपीओ कुल करीब 41 गुना हुआ था सब्सक्राइब। आज माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और वित्तीय कंपनियों पर होगी नजर। गोल्डमैन सैक्स ने जसडायल का लक्ष्य 37% घटाया, 500 रुपए का दिया टारगेट, कहा कमजोर कंपनी के आ सकते हैं कमजोर नतीजे। इकोनॉमी में दिख रहे हैं रिवाइवल के संकेत, अप्रैल में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 41% बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में भी जोरदार उछाल, अप्रैल में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन लगभग 71% बढ़ा।